वेलकम दरोगा जी के टेक्नो शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विभा और बढ़ते हैं आज की टॉप टेक खबर की तरफ। Xiaomi कंपनी एक नए स्मार्टफोन Xiaomi Mi 5C पर काम कर रही है और ये स्मार्टफोन चीन में 12 दिसंबर को लॉन्च किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में Xiaomi का अपना फाइन कोर प्रोसेसर होगा और ये स्मार्टफोन गोल्ड, रोज गोल्ड और ब्लैक कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। इस फोन को 1499 चीनी युआन यानी कि करीब 14,800 रुपए में लॉन्च किए जाने की खबरें हैं। इस फोन में 3GB की रैम और एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो होने की उम्मीद है। लेनोवो ने ज़ुक ब्रांडिंग के तहत 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं और खबर है कि लेनोवो ज़ुक ब्रांड के चौथे फोन लेनोवो ज़ुक एज पर काम कर रही है और इसकी कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं और इस फोन को चीन की सर्टिफिकेशन साइट टीना पर भी लिस्ट करने की खबरें आई हैं। टीना लिस्टिंग के मुताबिक इस फोन में 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर होगा और ये फोन 4GB व 6GB रैम वेरिएंट में मिलेगा और इस फोन में 32GB व 64GB की स्टोरेज दी होगी। इसके कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है और टीना लिस्टिंग के मुताबिक इस फोन में एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो होगा। अगले साल लॉन्च होने वाले आईफोन 8 में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खबर है कि इसमें OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल होगा। एप्पल की सप्लायर कंपनियों को प्रोडक्शन में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कंपनी एप्पल के सारे फ़ोन में OLED डिस्प्ले लगाने की योजना पर रोक लगा सकती है। संभव है कि कंपनी ये डिस्प्ले किसी एक मॉडल पर ही सीमित रखेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल ने सैमसंग के साथ 10 लाख OLED डिस्प्ले के लिए समझौता किया है और एप्पल को सिर्फ प्रीमियम मॉडल में ही OLED डिस्प्ले लगाना होगा और अन्य मॉडल में पहले की तरह LCD डिस्प्ले से ही काम चलाना होगा। एक महीने पहले आईफोन 6 व आईफोन 6 प्लस के टच इशू से जुड़ी कुछ खबरें सामने आई थी। जिन आईफोन 6 प्लस यूजर्स को टच इशू का सामना करना पड़ रहा है, एप्पल ने उनके लिए एक रिपेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। हालांकि एप्पल ये सुविधा मुफ्त में नहीं दे रही है। आईफोन 6 यूजर्स को किसी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, जबकि आईफोन 6 प्लस यूजर्स को $149 यानी कि करीब 9,900 का डिस्काउंट दिया जाएगा। और एप्पल का ये कहना है कि ये समस्या डिवाइस के किसी हार्ड सरफेस पर बार बार गिरने के कारण हो रही है। सरकार द्वारा नोटबंदी के बाद कई कदम उठाए गए। एक व्यक्ति द्वारा पुरानी करेंसी को कई बार एक्सचेंज करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार ने बैंकों को इनडेलिबल इंक का इस्तेमाल करने को कहा। आमतौर पर ये इंक चुनाव में इस्तेमाल की जाती है। सरकार द्वारा ये निर्णय लिए जाने के बाद गूगल पर इनडेलिबल इंक रिमूवल के काफी सारे सर्च पाए गए। इससे पहले हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इंटू व्हाइट मनी ट्रेंड में था और अब लगता है लोग इस इंक को रिमूव करने के तरीके गूगल पर खोज रहे हैं। तो ये थी आज की टॉप टेक न्यूज। इस तरह डेली टेक अपडेट के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।